हेलो दोस्तों, सरकार ने अभी तीसरा लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। तभी भी कोरोना के पेशेंट्स की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इस पे मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो जोन्स बनाए गए हैं, तो उस जोन में कुछ फ्रीडम्स दिया गया है। तो वो फ्रीडम्स क्या क्या दिया गया है, किस किस जोन जोन के लिए क्या क्या फ्रीडम्स दिया गया है, हम अभी देखेंगे। तो वहाँ पे ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन एंड कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो ग्रीन जोन में जो है हॉस्पिटल्स जो है, और टैक्सी, फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स और बस की जो सुविधाएं है वो चालू कर दी गई है। उसके अलावा प्राइवेट ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस और बैंक रिलेटेड और बार्स और वाइन शॉप्स जो है वो चालू कर दिए गए हैं ग्रीन जोन के लिए। ऑरेंज जोन के लिए वहाँ पे अभी तक के बस की जो सुविधाएं है वो चालू नहीं की गई है। वहाँ पे बार्स और वाइन शॉप्स वो चालू कर दिए गए हैं। प्राइवेट ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस जो है वहाँ पे अभी तक उसको जो लॉकडाउन 3 में है वो वहाँ पे फ्रीडम दिया गया है। और रेड जोन में वहाँ पे प्राइवेट ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस को 33% एम्प्लॉय को फ्रीडम दिया गया है। वहाँ पे बार शॉप वहाँ पे अभी तक के चालू नहीं किया गया है। और दोस्तों, कंटेनमेंट जोन में अभी तक के कुछ भी चालू नहीं किया गया है। वहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण तो वहाँ पे बस जो है वो जो हॉस्पिटल्स है और इमरजेंसी है वहाँ पे वो कंटेनमेंट जोन में चालू कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी तक के हमने देखा है कि लॉकडाउन 3 में क्या क्या फ्रीडम्स दिए गए हैं किन किन जोन के लिए। तो आप दोस्तों घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए और घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।